हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर है ये। मिड टर्म एग्जाम 2024-25 के लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो बोला है इसमें से कौन सी जो है सब फील्ड नहीं है अकाउंटिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कौन सी होती है। तो जो अकाउंटिंग की सब फील्ड है वो जो है वो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इन्हीं को सब फील्ड बोलते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये क्या होती है, ये सब फील्ड होती है। ठीक है, तो सब फील्ड जो है मतलब अकाउंटिंग को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया कर दिया जाता है। और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी आप कह सकते हो कि जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। मगर आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी सब फील्ड नहीं है, ये नहीं पूछा कि सब फील्ड है। क्या पूछा है, कौन सी सब फील्ड नहीं है। तो जो सब फील्ड नहीं है वो है बुक कीपिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या आपने पढ़ी भी होगी 11th क्लास के बाद, जब आप 12th कर लोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे पढ़ पाओगे। तो क्लियर हो गया। तो सब फील्ड कौन सी नहीं है, बुक कीपिंग नहीं है। और सब फील्ड क्या होती है, यानी अकाउंट को जब अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया जाता है अलग अलग टाइप में, तो वो होती है। और और जो जो जनरली जनरली सब सब फील्ड फील्ड है है वो वो है है फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग और और ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स रिसोर्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में में बोला बोला है है राम राम कुमार कुमार कंपेयर कंपेयर हिज हिज सेल्स सेल्स डेट डेट ऑफ ऑफ 2022-23 2022-23 विद विद हिज हिज सेल्स सेल्स ऑफ ऑफ 2021-22। 2021-22। अकाउंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन हैज हैज द द क्वालिटी क्वालिटी ऑफ। ऑफ। तो तो जो जो राम राम कुमार कुमार है है उसने उसने क्या क्या करा करा है, है, कंपेरिजन कंपेरिजन करा करा है है अपनी अपनी दो दो डेटा डेटा पे। पे। तो तो उसने उसने दो दो डेटों डेटों पे पे कंपेयर कंपेयर करा करा है, है, एक एक 2022-23 पे और एक 2021-22 पे। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस कह सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस, और इसको क्या बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना, तो ये 21-22 के लिए है, ये 22-23 के लिए। तो इसमें दोनों पे उसने सेल को कंपेयर करा है। किसको कंपेयर करा है, तो जब भी हम सेल को कंपेयर करते हैं तो वो क्या होता है, वो इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन होता है, यानी हम अपने ही बिजनेस को कंपेयर करते हैं। तो इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन क्या है, ये फाइनेंशियल कंपैरिजन है, जब हम एक साल के बीच में करते हैं या 2 या 3 सालों के बीच का कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमने सोचा कि 2020 में हमारी क्या सेल रही होगी, 2021 में, 2022 में, 2023 में। तो अगर हम हर साल की अपनी सेल के बीच में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन। और इसका फायदा क्या होता है, इस कंपैरिजन के द्वारा हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को समझ पाते हैं। तो जब भी आपको दो डेट मिले सेम ही बिजनेस की और उनके बीच में कंपैरिजन होगा तो उसे बोलेंगे हम इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन। तो इसलिए भी समझाया जा रहा है कि आपके फाइनल के एग्जाम में भी ये आएंगे, क्योंकि अकाउंट्स पूरा आएगा। तो इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन किस लिए होता है, ताकि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपने बिजनेस की जान सके। क्लियर है, इसका आंसर क्या है, इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पे कुछ आइटम दे रखे हैं, क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है क्रेडिटर, हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट, हमें दे रखा है कैश और एक्योर्ड इंटरेस्ट। और बोला है कि आपको करंट लाइबिलिटीज बतानी है, कि करंट लाइबिलिटीज क्या होती है। तो देखो करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, क्रेडिटर एक लाइबिलिटीज है। ठीक है, अगर हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है, या सपोज कर हमने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, तो वो भी क्या है, हमारे लिए क्रेडिटर है। ठीक है, हमें बिजली का बिल, तो वो सब क्या कहलाएंगी, करंट लाइबिलिटी कहलाएंगी। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट हमें हर महीने देना होता है, तो वो भी क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी कहलाएगी। मगर कैश क्या है, एसेट है, एसेट है, कैश क्या है, एक एसेट है। और एक्योर्ड इंटरेस्ट भी क्या है, समझ आ गया, एक एसेट ही है, या आप कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो सकती है। तो क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग इसका आंसर है। तो आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन सी, क्रेडिटर और लाइबिलिटी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द एक्विजिशन प्राइसेस। तो एक्विजिशन प्राइसेस के अकॉर्डिंग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक्विजिशन प्राइसेस के हिसाब से आप बताओ कि जो एसेट्स होती है उसे हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो एसेट्स को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो यह है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जब एसेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे एक्विजिशन प्राइसेस पे, तो वो क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका और वाला, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंडर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जब भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करें और बोला जाए कि उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन
क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ में बोला आपसे टेंजेबल एसेट्स इंक्लूड। तो टेंजेबल एसेट्स कौन सी होती हैं? तो टेंजेबल और इनटेंजेबल दो प्रकार की एसेट्स होती हैं। तो टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जो हमारे को दिखाई देती है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इनटेंजेबल एसेट वो टेंजेबल एसेट होती है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजेबल एसेट जो होती है हम उन्हें वो हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम फील करते हैं। तो टेंजेबल एसेट कौन सी होगी? टेंजेबल एसेट होगी इसमें मशीन, मशीन को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। बाकी पेटेंट, गुडविल और कॉपीराइट, ये सारी क्या है? ये इनटेंजेबल एसेट्स है। ये सारी एसेट तो है मगर ये क्या है? इनटेंजेबल एसेट्स है, हम इनको देख नहीं सकते। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टेंजेबल एसेट। कई बार इनटेंजेबल पूछ लेते हैं, तो इनटेंजेबल कौन सी होंगी? पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, जिनको हम देख नहीं सकते मगर ये एसेट्स होती हैं। मगर मशीन को हम टच कर सकते हैं, लैंड को हम देख सकते हैं, पेटेंट जो है हम उसे नहीं देख सकते, प्लांट को हम देख सकते हैं। जैसे लैंड, प्लांट, मशीन, ये टेंजेबल एसेट्स हैं, और इनटेंजेबल है पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है परचेज ऑफ लैंड। तो परचेज ऑफ लैंड क्या है? तो परचेज ऑफ लैंड क्या है? तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो परचेज ऑफ लैंड क्या होगा बेटा? तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जब हम लैंड परचेज करेंगे तो क्या होगा? हमारी कैपिटल पे खर्चा कर रहे हैं, हमारी कैपिटल बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल टू डिक्रीज एसेट्स एंड कैपिटल साइमल्टेनियसली। भाई कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसमें एसेट और कैपिटल दोनों घटती है? तो जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो हमारा कैश भी कम होता है। जब भी हम क्या करेंगे? कोई एक्सपेंस पे करेंगे। क्या पे करेंगे? एक्सपेंस को अगर हम पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक्सपेंस पे करने में देखो, एक तो हमारा कैश कम होता है। क्या कम होता है? एक हमारा कैश कम होता है, और कैश के साथ साथ हमारी कैपिटल भी कम होती है। होती है नहीं होती है? तो कोई भी एक्सपेंस, तो देखो यहाँ पे एक्सपेंस कौन सा है? पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, और पेमेंट ऑफ सैलरी। तो पेमेंट ऑफ सैलरी ये एक एक्सपेंस है, क्योंकि ये हर महीने आता है। तो एक्सपेंस क्या है? ये जो नॉर्मल बिजनेस में होगा। तो पेमेंट ऑफ सैलरी हम जब भी कोई बिजनेस करेंगे, क्रेडिटर तो को पेमेंट तो हम जब करेंगे ना, जब हम उससे सामान खरीदेंगे। जरूरी थोड़ी है हम हर की महीने किसी से उधार में सामान खरीदेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स, ये तो इनकम है। जब हम गुड्स बेचेंगे तो हम पे पैसे आएंगे। जब हम कोई चीज उधार पे खरीदेंगे, तो हमने कोई एसेट परचेज करी है उधार पे, तो ये थोड़ी है कि उसे हम हर महीने पैसे दे रहे हैं, उससे हम 4 महीने बाद। मगर सैलरी हम किसी को भी क्या करते हैं? हर मंथ देते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और क्यों है? क्योंकि जब हम सैलरी देते हैं तो हमारा कैश भी कम होता है, और कैश के साथ साथ हमारी कैपिटल भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ आ गया? क्योंकि कैश कम होगा जब हम सैलरी पे करेंगे, और कैश और कैपिटल, इसके साथ कैपिटल भी कम होगी। तो पेमेंट ऑफ सैलरी का एग्जाम्पल है। जब भी कोई हम जब भी हम कोई एक्सपेंस पे कर रहे होते हैं जो नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे हमारी कैश यानी एसेट और कैपिटल दोनों ही एक साथ कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेब्ट्स डैश प्रिपेयर। हम बैड डेब्ट को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? तो बैड डेब्ट पता है ना, जब हम किसी को क्या करते हैं, कोई भी अपने गुड्स उधार में दे देते दे हैं, और वो गुड्स हम का भी हमारे को पैसा है नहीं मिलता, वो पैसा हमें वापस नहीं आता, तो हम उसे बैड डेब्ट में डाल देते हैं। तो वो पैसा कहाँ चला जाता है? बैड डेब्ट में चला जाता है। तो बैड डेब्ट जो है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उसे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांसफर वाउचर में। तो बैड डेब्ट याद रखना, हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होंगे बेटा? बैड डेब्ट हमेशा ट्रांसफर वाउचर में रिकॉर्ड होंगे। और बैड डेब्ट होते क्या है? व्हेन वी हैव टू गिव द गुड्स टू एनी क्रेडिटर बट द अमाउंट डज नॉट रिसीव आफ्टर द डेट। डेट के बावजूद भी हमें पैसा नहीं मिलता, और हमारा जो हमने उसे गुड्स दिए हैं वो भी चले गए, और उनके पैसे भी हमें नहीं मिले, तो वो बैड डेब्ट होते हैं। और बैड डेब्ट की रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? ट्रांसफर वाउचर में करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है परचेज ऑफ प्लांट्स ऑन क्रेडिट। अगर हम प्लांट्स या मशीन कुछ भी उधार में खरीदते हैं, ठीक है, प्लांट मशीन जब हम उधार में खरीदते हैं तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो उसे हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम प्लांट क्या करते हैं, क्रेडिट में परचेज करते हैं, तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड फॉर, ठीक है। तो देखो दो डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। दोनों डिस्काउंट मार्केट में होते हैं। कैश डिस्काउंट जैसे आप दुकान में जाते हैं और आपको वहां पे लिखा होता है कि आप 1000 रुपए का सामान खरीदोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 1000 रुपीज के सामान पे आपको कितना 10% डिस्काउंट मिल रहा है? कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 10%।
तो आप कितना पैसा दोगे, 1000 का सामान लोगे, 900 रुपीज आप पे कर दोगे, क्या करोगे 900 पे करोगे, तो इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसे, कैश डिस्काउंट, ठीक है। पर यहाँ पे पूछा गया है ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट कब होता है, ट्रेड डिस्काउंट जब होता है जब हमारे से बोला जाता है आप एक ड्रेस की जगह पे 50 ड्रेस खरीदोगे तो हम आपको 30% डिस्काउंट देंगे, यानी जो होलसेल में सामान खरीदते हैं उनको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो होलसेलर कौन होते हैं, जो बल्क में सामान खरीदते हैं, तो बल्क बाइंग क्या है, बल्क बाइंग क्या है, इट इज अ बल्क बाइंग में ही ट्रेड डिस्काउंट को अलाउ किया जाता है। तो समझ आ गया यार, ऐसे याद कर लेना। होलसेलर, होलसेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं, जैसे दिवाली पे देखा होगा एक होलसेलर जो बहुत ज्यादा सामान खरीदता है, फिर रिटेलरों को बेचता है, रिटेलर ग्राहक को बेचते हैं, तो होलसेलर को ज्यादा डिस्काउंट में सामान परचेज करता है और उसके बाद वो रिटेलर को थोड़ा कम में। तो ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउ होता है, जब बल्क बाइंग होती है, और कैश डिस्काउंट में बल्क बाइंग का कोई चक्कर नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है इनपुट IGST। देखो इनपुट IGST, यहाँ पे इनपुट वर्ड पढ़ लेना, तो इनपुट IGST क्या है, इनपुट IGST को हम एसेट कहते हैं, ठीक है, याद रखना। एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट, तो इनपुट IGST को क्या बोलते हैं, हम एसेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। और तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में राजीव स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय सेलिंग आउट हिज पर्सनल फर्नीचर वर्थ ₹1,50,000 एंड हिज वाइफ ऑर्नामेंट ऑफ ₹50,000। राजीव ने एक बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें 1,50,000 का उसने अपना फर्नीचर बेचा और 50,000 रुपए के अपनी बहन बीवी के गहने बेच दिए, और इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन द बिजनेस, और उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया। ड्यूरिंग दिस ही परचेज अ गुड्स वर्थ ₹45,000 कैश, और इसके बाद क्या करा उसने, 45,000 के गुड्स कैश में खरीद लिए, 40,000 के उधार में खरीद लिए। ही सोल्ड 1/4 ऑफ गुड्स 20% कैश डिस्काउंट, उसने क्या करा 1/4 गुड्स को तो दे दिया 20% कैश डिस्काउंट में, और 3/4 ऑफ ऑन क्रेडिट एट कॉस्ट, और 3/4 को दे दिया किसमें, उधार में दे दिया, ठीक है। तो बताओ राजीव की ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, तो राजीव ने जब बिजनेस में जितना पैसा शुरू में लगाया उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, तो राजीव ने जो शुरू में पैसा लगाया उसे क्या बोलेंगे बेटा, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग में राजीव ने क्या करा, 1,50,000 रुपए तो उसने अपना फर्नीचर बेच के लगाए, और 50,000 रुपए के क्या थे, उसकी वाइफ के ऑर्नामेंट थे। जोड़ लो, 1,50,000 में 50,000 जोड़ो तो कितना आ गया, 2,00,000 आ गया। तो उसने बिजनेस स्टार्ट कितने से करा, 2,00,000 रुपए से करा, तो एंट्री बन सकती है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो 2,00,000 इसका आंसर होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। समझ आ गया कैसे आई ओपनिंग कैपिटल, क्लियर हो गया ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि जो डेटर है, इसके बाद आपसे पूछा है डेटर के बारे में बताओ भाई, कि राजीव के जो डेटर है वो कितने के हैं, क्या पूछा है डेटर कितने के, ये तो समझ आ गया 1,50,000 कैसे आया, क्लियर है ना। अब पूछा है इसके बाद राजीव ने कि जो डेटर है यानी राजीव ने कितने लोगों को उधार में माल दिया, तो देखो कैसे निकालेंगे हम इसे, सिंपल सी बात है, हमें पता है राजीव ने 45,000 का कैश में लिया और 40,000 का क्रेडिट में लिया, तो राजीव ने जो गुड्स लिए वो कितने के लिए, गुड्स जो राजीव के पास है वो है 45,000 प्लस 40,000 ऐड कर लो, तो टोटल स्टॉक राजीव के पास कितना आ गया, 85,000 का आ गया। अब 85,000 का 1/4 निकालो, क्योंकि 1/4 ही तो दिया है उसने, चाहे 20% डिस्काउंट पे दिया है, तो 1/4 कितना आ गया, 21,000, कितना आ गया बेटा, 21,250, ठीक है। तो 21,250 का से उसने सामान दे दिया, अब 1/4 दे दिया तो बचा कितना उस पे, 3/4, और 85,000 का 3/4 निकाल लो, ये क्या हो जाएंगे, उसके डेटर हो जाएंगे, तो ये हो गया 3/5 और 3/4, भाई 1/4 और 3/4 का मतलब क्या होता है, 4/4 यानी 1 हो गया ना, तो 85 का 3/4 निकाल लो, सॉल्व करो, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 63,750, क्या आ गया, 63,750 आंसर आ गया। तो जो राजीव के जो क्रेडिटर होंगे यानी राजीव के जो डेटर स्टैंड करेंगे वो कितने के करेंगे, 63,750 के, आंसर बी इसका ऑप्शन, क्लियर है। समझ आया कैसे करा, पहले हमने क्या करा, 85,000 का 1/4 निकाला, इतने का सामान तो राजीव ने क्या करा सेल कर दिया, और फिर 85,000 का 3/4 क्या करा क्रेडिट में दे दिया, तो उसके जो डेटर हो गए वो 63,750 के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 असर्शन रीजन है,
असरशन है डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बोला है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या एक साइंटिफिक सिस्टम है, बिल्कुल साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। क्या होता है भाई, इसमें डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, यानी जो अकाउंटिंग है वो दोनों तरफ लिखी जाती है, और कैश और क्रेडिट सारी अकाउंटिंग लिखी जाती है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक साइंटिफिक सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, यानी असरशन इसका करेक्ट है, ट्रू है असरशन इसका। रीजन है अकाउंटिंग मे बी इफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। तो जो अकाउंटिंग होती है उसमें विंडो ड्रेसिंग जो है इफेक्ट डालती है। तो पहले विंडो ड्रेसिंग समझ लो क्या है। तो विंडो ड्रेसिंग एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, यानी अपलिफ्ट कराती है, गुड दिखाती है, और वो एक्चुअल में होता नहीं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हो ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, जिससे क्या होता है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाए। मगर रियल में क्या होता है, कंपनी की हालत खराब होती है, और विंडो ड्रेसिंग के द्वारा वो क्या करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट को अच्छा दिखाते हैं। बैलेंस शीट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं भाई, बैलेंस शीट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी सही है कि अकाउंटिंग को विंडो ड्रेसिंग के द्वारा क्या करा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसका रीजन भी करेक्ट है, मगर असरसन और रीजन में एक्सप्लेनेशन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि विंडो ड्रेसिंग क्या है, एक प्रकार का धोखा है, जिसके कारण क्या होता है, इन्वेस्टर कई बार गलती से क्या होते हैं, गलत कंपनी के शेयर्स लेते हैं और लॉस हो जाता है उन्हें, समझ आ गया। जबकि अकाउंटिंग क्या है, एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसमें बिजनेस को क्या है, ढंग से क्या करा जाता है, बिजनेस के बारे में ढंग से जो है सारी एंट्रीज को रखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट में कैश और क्रेडिट की सारी एंट्री लगाई जाती है। तो इसका असरसन ठीक है, रीजन ठीक है, मगर एक्सप्लेनेशन गलत है। इसके कारण इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लियर हो गया। विंडो ड्रेसिंग समझ आ गया आपको क्या होता है। तो विंडो ड्रेसिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे क्या करा जाता है, अकाउंटिंग को मैनिपुलेट करा जाता है, और इन्वेस्टरों को लुभाने के लिए विंडो ड्रेसिंग करी जाती है, जिसके कारण कई बार लोगों को शेयर्स में नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच अकाउंट विल बी क्रेडिट ऑन गिविंग गुड्स ऑन चैरिटी। तो जब हम गुड्स को चैरिटी में देंगे तो कौन सा अकाउंट आएगा। तो बेटा इस पर ध्यान रखना, जब हम गुड्स को चैरिटी में दें, गुड्स हमारे फायर में जल जाएं, गुड्स हमारे थेफ्ट चोरी कर लें, चाहे गुड्स हमारे चोरी हो जाएं, चाहे गुड्स हम चैरिटी में दें, चाहे गुड्स हमारे फायर में जल जाएं, चाहे गुड्स हमारे स्टोलन हो जाएं, स्टोलन यानी चोरी, थेफ्ट, ये बात जानना, चोरी थेफ्ट, ठीक है, उसके अलावा सैंपलिंग या चैरिटी कोई भी वो हो, तो जो आपका पैसा जो है उसका अकाउंट जो बनेगा वो हमेशा कौन सा बनेगा, वो आपका परचेज अकाउंट बनेगा। बच्चे गलती से चैरिटी अकाउंट लिख देते हैं, चैरिटी अकाउंट कुछ नहीं होता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आएंगे, चैरिटी आएगा, थेफ्ट आएगा, ठीक है, फायर में गुड चला गया या सैंपलिंग कर ली, तो इन सब में जब भी, तो गुड्स हमारे कहाँ क्रेडिट हो रहे होंगे, परचेज अकाउंट में क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट है, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन गुड्स आर विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर इन पर्सनल यूज। ये तो पता ही है, जब भी मालिक यानी जिसने कंपनी को स्टार्ट कराया होता है, ये तो बताया ना, ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं, ठीक है, पर प्रोप्राइटर कौन होता है, जब कोई बिजनेस का एक ही मालिक होता है तो प्रोपराइटर, और एक से ज्यादा मालिक होते हैं तो कंपनी चलती है पार्टनरशिप पे। ये तो पता है ना, 12th क्लास में आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे, 11th क्लास में प्रोपराइटरशिप पढ़िए। तो प्रोपराइटर का मतलब जो कंपनी का एक ही मालिक हो। तो अगर कोई मालिक अपनी कंपनी से ही क्या कर रहा है, सामान निकाल के अपने घर में यूज कर रहा है, ठीक है, तो बताओ उसको पर्सनल यूज के लिए कर रहा है तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा। तो आपको पता ही है, वो ड्रॉइंग अकाउंट में जाएगा। तो ड्रॉइंग क्या होता है, ऐसा अकाउंट, जैसे कि सपोज करो किसी व्यक्ति की परचून की दुकान है, तो परचून का सामान तो उसके घर में भी लगेगा, और वो अपनी दुकान से सामान अपने घर में यूज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो ड्रॉइंग कर रहा है। तो अकाउंट्स में से क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग, और उसकी एंट्री कहाँ आएगी, ड्रॉइंग अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट है आपकी, द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज अ प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे पेटी कैश बुक बोला है, ठीक है, अब यहाँ पे जब भी पेटी कैश बुक की बात करेंगे तो भाई पेटी कैश बुक है क्या, पहले तो समझ लो पेटी कैश बुक होती क्या है। तो पेटी कैश बुक होती है बेटा, तो जो आपको स्टेटमेंट दी है वो दी है, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज प्रॉफिट। तो ये बोला है कि पेटी कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या प्रॉफिट है, नहीं, तो जो वो क्या होता है, वो एसेट होता है। देखो पहले पेटी कैश बुक क्या होती है, एक अमाउंट जो है कंपनी क्या करती है, साइड कर देती है, और वो अमाउंट जो है छोटे छोटे खर्चों के लिए यूज करा जाता है, जैसे
किसी की कंपनी का कोई ऑफिस है तो उस ऑफिस में चाय मंगानी है, रिक्शे का किराया देना है, या छोटे मोटे खर्चे, ठीक है, स्टेशनरी मंगानी है, कॉपी पेन मंगाना है, तो कंपनी क्या करती है उसके लिए एक अलग क्या करती है, कैशबुक बनाती है, जिसे बोलते हैं पेटी कैशबुक। उसमें छोटे छोटे खर्चों को कंपनी क्या लिखती है, और उसके लिए पहले ही अमाउंट क्या कर दिया जाता है, साइड में कर दिया जाता है। तो पेटी कैशबुक कोई प्रॉफिट नहीं है, वो एक एसेट है। तो पेटी कैशबुक क्या है, इट इज नॉट अ प्रॉफिट, इट इज अ एसेट, याद रखना। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ये एक एसेट है अगर जो पहले निकाल दी जाती है, वही एक अमाउंट निकाल जाता है छोटे छोटे खर्चों के लिए। क्लियर है? तो यानी जो इसका स्टेटमेंट वन है वो क्या है, वो फॉल्स हो गई। ये बात समझ आ गई, पता लग गया ना, पेटी कैशबुक क्या है, एक एसेट है। और पेटी कैशबुक होती क्या है, एक अमाउंट कंपनी पहले ही निकाल देती है किस चीज के लिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए। देखो हमने पढ़ा सिंगल बुक, उसके बाद हमने डबल बुक पढ़ा, कैशबुक पढ़ लिया, अब हमारे को क्या है, हमने पेटी कैशबुक पढ़ना है। क्लियर है? तो पेटी कैशबुक छोटे छोटे खर्चों के लिए अमाउंट कंपनी निकाल देती है। नेक्स्ट है, पेटी कैशबुक इज ऑल्सो मेंटेन एन इम्प्रेस्ट सिस्टम। तो क्या पेटी कैशबुक इम्प्रेस सिस्टम को मेंटेन करती है? तो इम्प्रेस सिस्टम होता क्या है, तो समझ लो इम्प्रेस सिस्टम क्या है, ये अकाउंटिंग सिस्टम है जो ट्रैक करता है कि बिजनेस में खर्चा कैसे हो रहा है। तो क्या है, इम्प्रेस सिस्टम इज अ सिस्टम, ठीक है, इट इज यूज टू ट्रैक हाउ योर बिजनेस इज स्पेंडिंग कैश। तो यानी एक ऐसा सिस्टम होता है, यही बताता है कि बिजनेस में आप जो खर्चा कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है, उस खर्चे को ट्रैक करता है। तो बिल्कुल ठीक है, तो क्या है, इम्प्रेस सिस्टम को पेटी कैशबुक में यूज करा जाता है। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है ट्रू है, इम्प्रेस सिस्टम समझ आ गया, यानी एक प्रकार का जीपीएस जैसे लगाते हैं ना कि भाई गाड़ी कहाँ गई, ऐसे ही क्या है कि सिस्टम लगा दिया जाता है, मतलब ट्रैकिंग का तरीका है अकाउंटिंग का, उसे इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं, जो ये बताता है कि खर्चा जो है बिजनेस में किस तरीके से हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज प्रिपेयर व्हेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू डिफेक्ट। ठीक है, अब ये बोला है जो हम किस में प्रिपेयर करेंगे, जो हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज करें सप्लायर से, मगर वो जो गुड्स है उन्हें वापस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि गुड्स में डिफेक्ट आ गया। अगर गुड्स में डिफेक्ट आ जाएगा तो तुम उसपे किस में एंटर करोगे, तो डेबिट नोट बनाते हैं। जब हम किसी से क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं उधार में, ठीक है, और फिर हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं, किसी भी रीजन से कर रहे हैं रिटर्न, जनरली जो डिफेक्ट ही उसका रीजन होता है, तो बनता क्या है, डेबिट नोट बनता है। डेबिट नोट कब बनता है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं उधार में, याद रखना, गुड्स जब हम परचेज करेंगे उधार में तो क्या बनेगा, डेबिट नोट बनेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात या नहीं है? क्लियर, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे, क्रेडिट में परचेज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स परचेज करें क्रेडिट में, ठीक है। तो हमने उसके अलावा नेक्स्ट देख लो, इसी का पूछा हुआ है, इनवॉइस को कब प्रिपेयर करते हैं, तो जब इनवॉइस प्रिपेयर कब करेंगे, जब हम करेंगे फॉर क्रेडिट परचेज, किसके लिए, वो फॉर क्रेडिट सेल्स के लिए, सॉरी, परचेज के लिए क्या बनाते हैं, डेबिट नोट, परचेज के लिए क्या बना, डेबिट नोट। और जब हम इनवॉइस बनाएंगे तो इनवॉइस किसके लिए बनाएंगे, क्रेडिट सेल के लिए, तो इनवॉइस किसके लिए बनता है, क्रेडिट सेल के लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका, क्या क्या है असर्शन रीजन। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट इज एसेट। तो पर्सनल अकाउंट आपको बताना होना चाहिए क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या है, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। तो जो डेटर क्रेडिटर अकाउंट को जनरल जैसे जोड़ते हैं ना, क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो उसने बोला क्रेडिट बैलेंस इज अ पर्सनल अकाउंट इन एसेट, और उसके बाद नेक्स्ट बोला बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। जो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस होता है क्या वो बैलेंस शीट में दिखाई देता है, तो इसका जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है, मगर जो इसका रीजन है वो करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन का तो कोई मीनिंग ही नहीं। तो यानी क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, असर्शन जो इसका इनकरेक्ट है और जो इसका रीजन है वो क्या है, करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बीआरएस किसकी बात चल रही है, बैंक रिकंसिलिएशन की बात चल रही है, बीआरएस की बात चल रही है। तो पूछा हुआ है बीआरएस भाई स्टेटमेंट किस लिए होती है, तो बीआरएस स्टेटमेंट किस लिए होती है बोला है आपसे, तो ये होती है प्रिपेयर फॉर कस्टमर। देखो कैसे, देखो जब हम बीआरएस बनाते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एक होती है कैशबुक, एक होती है पासबुक, यही होती है ना बेटा, एक कैशबुक और एक पासबुक। हमारे को कोई भी चेंजेस किस में करने होते हैं, कैशबुक में, पासबुक में तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। पासबुक किसके पास होती है, बैंक के पास होती है, किसके पास होती है, बैंक के पास होती है ना, और ये किसके पास होती है, कस्टमर के पास होती है। जैसे हमारे बैंक में पैसे बढ़ते हैं
तो हम कैश बुक में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। बैंक में पैसे बढ़े तो कैश बुक में बढ़े, बैंक में कैसे घटे तो कैश बुक में घटाए, क्योंकि हमारे को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो बोला है BRS स्टेटमेंट इज, तो ये स्टेटमेंट है प्रिपेयर बाय कस्टमर। तो BRS स्टेटमेंट को कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हो गया, मैंने बता भी दिया कि BRS में क्या करते हैं, कैश बुक होती है एक पासबुक होती है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, मीन्स अगर आपका बैंक का जो बैलेंस है वो अनफेवरेबल है तो उसका क्या मतलब है, यानी आपका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो अनफेवरेबल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ना कैश बुक, तो आपकी कैश बुक में वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, अनफेवरेबल होगा तो, अनफेवरेबल होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस इन अ कैश बुक। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनमें से कौन सा जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एडवांटेज नहीं है। तो हमारे को पता है अकाउंटिंग में क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है। दूसरा अकाउंटिंग में क्या होती है, कंपैरेटिबिलिटी होती है। तीसरा सीक्रेसी नहीं होती, अकाउंटिंग में कभी सीक्रेसी नहीं होती, तो ये एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है भाई, कंसिस्टेंसी तो रखते हैं ना अकाउंटिंग में, रेगुलर क्या होते हैं, अमाउंट आते रहते हैं जाते रहते हैं और उनकी हम एंट्री करते रहते हैं डेबिट क्रेडिट साइड में, कंपेरेबल भी करते हैं। ठीक है, कंपेरेबल करेंगे तभी तो जो कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कब लगाते हैं जो कंपेरेबिलिटी कर रहे होते हैं, मगर सीक्रेसी अकाउंट में नहीं होती। ऑप्शन सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर बाय, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किसने प्रिपेयर करा है, तो ये किसने करा है, ये करा है ICAI ने। किसने करा भाई, ICAI ने करा है। क्लियर है, तो ये आपको पता ही ऑप्शन है। क्वेश्चन क्लियर हो गए, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे सेक्शन बी सी और डी, जिसमें जनरल एंट्री के क्वेश्चन होंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, BRS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लास 11 अकाउंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको करिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। चैनल पे और बहुत सारी वीडियोज हैं, उनको भी देखिए, प्ले लिस्ट पे जाइए अकाउंट्स की, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और अकाउंट्स का पेपर में आप अच्छे से स्कोर कर पाए। विदाउट ट्यूशन ही आपको बहुत अच्छा आप अकाउंट में स्कोर कर पाएंगे। वीडियोस को देखिए, पीछे और बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ऑन विच साइड विल बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, अगर हम इन अकाउंटों को रिकॉर्ड करें तो कौन सी साइड इंक्रीज होगी, यानी कौन सी साइड इंक्रीज होगी, डेबिट होगी और क्रेडिट होगी, ये पूछा गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे होगा बेटा, तो हमारे से पूछा है कि कौन सी साइड इंक्रीज होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे को क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, तो हमें पता है प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज, और प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज होगी क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एक एसेट है, क्या है ये, एसेट। तो ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी, और ये क्या है, एसेट है, और जब इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी। ठीक है, एसेट क्या होती है, डेबिट होती है। उसके बाद दूसरी दी है सेल्स, जब सेल्स इंक्रीज होगी, बोला है ना क्वेश्चन में कि भाई कौन सी साइड इंक्रीज होगी, तो बोला ना ऑन विच साइड विल बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब दूसरी क्या है, सेल्स, जब सेल्स इंक्रीज होगी तो सेल्स क्या है, सेल्स इनकम होती है, सेल्स क्या होती है, इनकम या रेवेन्यू, और जब सेल्स इंक्रीज होती है, सेल्स क्या है, सेल्स इनकम है, ये इंक्रीज, जब सेल्स इंक्रीज होगी क्या होगी, इंक्रीज होगी तो ये क्रेडिट हो जाएगी, तो क्रेडिट हो जाएगी, सारी साइडें इंक्रीज हो रही है। देखो प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है, वो एक एसेट है, वो डेबिट होगी, सेल्स इंक्रीज होगी तो सेल्स क्या है, एक इनकम है, वो क्रेडिट होगी। उसके बाद रेंट, रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है, रेंट इंक्रीज होगा तो रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। उसके बाद परचेज, परचेज क्या है, परचेज एक एसेट है, परचेज क्या होती है, एक एसेट्स होती है, और परचेज क्या होगी, डेबिट होगी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आपको पता ही है, ये एक लाइबिलिटी है, ये क्या है, एक लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है वो क्या होती है, वो हमेशा क्रेडिट होती है। उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है, एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और इसका एक रूल भी है, अगर आप इसके एक रूल की बात करें तो इसका
ठीक है, मॉडर्न जो है इसका एक रूल है, मॉडर्न का रूल क्या कहता है, CLEAR एक रूल है जिसे हम बोलते हैं क्लियर, और क्लियर के रूल में क्या कहते हैं, कैपिटल लाइबिलिटी और क्या, एक कैपिटल और एक लाइबिलिटी और एक रेवेन्यू, CLR, जब ये इंक्रीज होंगे तो बेटा एक क्रेडिट होंगे, और एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट नहीं होंगे, ये डेबिट होंगे, तो एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, और कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू जिसे इनकम बोला गया है वो बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे। आप इस रूल को भी लगा सकते हैं, जैसे ये हेड है इनकी जगह कोई और हेड आए, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो एसेट है या वो लाइबिलिटी है या वो एक्सपेंस है या वो कैपिटल है या वो इनकम है। तो अगर कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू या इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे, इस रूल के हिसाब से हम इनको कर लेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया क्वेश्चन? तो इसमें यही पूछा था कि विच साइड विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग एसेट पी रिकॉर्ड, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें बोला है क्लासिफाई करना है फॉलोइंग इनटू द एसेट लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंस, तो बोला है कि बताओ कौन सी कैपिटल है, कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सी रेवेन्यू और एक्सपेंस है। चलिए हम इसे कर लेते हैं फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन है और वाला 23 का ही, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्लासिफाई करना है एस की ये जो बैंक डेप्ट है, पेटेंट है, क्रेडिटर है, डेटर है, लैंड है या बैंक लोन है, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, इनके हेड छांटने। चलिए क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट क्या है, बैड डेप्ट एक एक्सपेंस है। क्या है बैड डेप्ट, एक एक्सपेंस। तो ये क्या है भाई, ठीक है ये एक्सपेंस है, क्लियर हो गया। बैड डेप्ट क्या है आपका, एक एक्सपेंस, समझ आ गया, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है पेटेंट, ये क्या लिखा है मैंने, पेटेंट। बैड डेप्ट क्या है, एक्सपेंस। उसके बाद दिया है पेटेंट, पेटेंट क्या है, एक एसेट है। क्या है ये, एसेट। तो पेटेंट हमारा क्या है, एसेट से, क्लियर हो गया। थर्ड है आपके पास क्या, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है हमारा, क्रेडिटर है हमारी लाइबिलिटी। क्या है भाई, ये लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर क्या है हमारी, लाइबिलिटी। उसके बाद फोर्थ है बैंक लोन, बैंक लोन भी हमारी एक लाइबिलिटी है। क्या है ये, बैंक लोन भी हमारी लाइबिलिटी है। क्या है भाई, लाइबिलिटी। नेक्स्ट है डेटर, डेटर क्या है, डेटर एक एसेट है, तो डेटर क्या है, एक एसेट। उसके बाद है लैंड, लैंड भी एक एसेट है, एक टेंजेबल एसेट है जो दिखाई देती है, तो लैंड भी क्या है, एक एसेट है, क्लियर हो गया। तो क्लासिफाई करना था, दोनों मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के एग्जाम में आने वाले, तो दोनों के मैंने आपको आंसर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन करना है आपको टी सेप अकाउंट ऑफ द फर्नीचर एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइट। चलिए करते हैं हम टी सेप अकाउंट। टी सेप अकाउंट बनाना है, तो टी सेप अकाउंट में बोला फर्नीचर परचेज कितने का है, फर्नीचर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 रुपीज का। तो हम जो फर्स्ट एंट्री करेंगे यहाँ पे, ऐसे बनाएंगे हम टी सेप अकाउंट। तो ये क्या है, टी सेप अकाउंट है, किसका टी सेप अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट। किसका है, फर्नीचर अकाउंट। अलग अलग अकाउंट होते हैं, क्रेडिटर अकाउंट भी हो सकता है, डेटर अकाउंट भी हो सकता है, और कैश अकाउंट भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, इस तरह प्लस करके ब्रैकेट में लिख दो चाहे, प्लस पार्टिकुलर रुपीज माइनस पार्टिकुलर, ठीक है। यानी इस सब में जो भी चीजें प्लस हो रही होंगी, बढ़ रहा होगा वो यहाँ आएगा, और जो घट रहा होगा वो आपका यहाँ आएगा। तो जो पहली एंट्री है उसमें लिखा है फर्नीचर परचेज 60,000, तो देखो आपका फर्नीचर 60,000 रुपये से बढ़ रहा है, तो फर्नीचर बढ़ रहा है ना, किससे, 60,000 से। तो एंट्री क्या बनेगी, अगर आप फर्नीचर आ रहा हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश की एंट्री है ना, या क्रेडिट की एंट्री है, फर्नीचर परचेज है, नाम नहीं लिखा तो कैश ही समझ लेंगे, ठीक है ना। तो एंट्री में क्या लिखेंगे, फर्नीचर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे एंट्री आएगी, क्या आएगी एंट्री यहाँ पे, कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप टू कैश अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी चाहो, कितने रुपए से, 60,000 से, क्लियर हो गई। क्योंकि कितने का फर्नीचर आ रहा है, 60,000 रुपए का आ रहा है पहली एंट्री। दूसरी में फिर फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट 40,000, अब की बार भी फर्नीचर परचेज करा, मगर अब क्या कैसे खरीदा है, अब क्या यार उधार में खरीदा है, मगर फर्नीचर तो बढ़ ही रहा है ना, दोनों में फर्नीचर आया है ना, गया तो नहीं। तो दूसरे में लिख दो टू, अब क्या क्रेडिट खरीदा है तो लिखो टू क्रेडिट, अगर कोई नाम दिया होता क्रेडिटर का तो क्रेडिटर का नाम लिख देते, टू क्रेडिट,
और ब्रैकेट में लिख दो फर्नीचर, ठीक है, क्या क्या आया तुम्हारे पे, फर्नीचर, तो चाय से ब्रैकेट में फर्नीचर लिख देना। और यहाँ पे क्रेडिट कितने का फर्नीचर आया है भाई आपके पास, 40,000 का, तो आपका एक बार 60,000 से फर्नीचर बढ़ा, एक बार 40,000 से फर्नीचर बढ़ा। तीसरी एंट्री, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 15,000, अब यार फर्नीचर कम हुआ 15,000 रुपए से, तो फर्नीचर अब यार कम हुआ, तो यानी क्या हुआ, फर्नीचर कम हो गया, तुमने सोल्ड करा और अब यार तुम पे कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितने से, 15,000 से, तो यहाँ लिख देंगे अब यार बाई कैश या कैश, आप इसमें बाई लिख भी सकते हैं, टू लिख भी सकते हैं और ना भी लिखे, मर्जी है, बाई कैश अकाउंट लिख दो और भाई कितने से आया, 15,000 का, क्योंकि 15,000 का फर्नीचर आपने कम कर दिया, बेच दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री फोर्थ, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब आपने 9,000 का फर्नीचर और बेच दिया, मगर अब की बार उधार में बेचा, मगर फर्नीचर तो आपका गया ही ना, तो अब की बार वापस से लिख दो बाई क्रेडिटर, और यहाँ पर क्योंकि जब उधार में बेचा है तो उधार लिखोगे, यहाँ पे ऐसी नोट के लिए लिख सकते हो फर्नीचर कितने का बेचा है, 9,000 का। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 7,000, आपके फर्नीचर की वैल्यू 7,000 रुपये कम हो गई, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, फर्नीचर जितने का था उसमें 7,000 रुपये और कम कर लो, तो यहाँ पे लिख दो थर्ड एंट्री, कम हुआ है ना फर्नीचर यहाँ पे, तो वहाँ पे लिख दो बाई डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन, क्लियर है यहाँ तक। अब डेप्रिसिएशन कितने का हुआ बेटा आपका, डेप्रिसिएशन हुआ है आपका बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देना यहाँ पे भी, जैसे क्रेडिटर अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन कितने का हुआ आपका, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है आपके क्वेश्चन में 7,000 का, तो यहाँ लिख दो 7,000, क्लियर हो गया। अब टोटल कर देंगे, पहले इसका टोटल करेंगे, 60,000 प्लस 40,000 टोटल कितना आ गया, 1,00,000, कितना आ गया भाई 1,00,000, इसको भी टोटल करो, यहाँ पे सेम अमाउंट लिखो 1,00,000, क्लियर है। अब आपको पता है इसका अमाउंट तो कम है, इसका अमाउंट ज्यादा है, तो इसका अमाउंट कितना है, 15 और 9, 24, 2406 कितना होता है भाई, 2406 31, और यहाँ पे टोटल कितना है, 1,00,000, तो आप 1,00,000 से क्या करोगे, 1,00,000 से 31,000 को माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो 1,00,000 से 31,000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पे कितना अमाउंट आएगा, हम पे अमाउंट आ जाएगा 69,000, तो 69,000 का बैलेंस इस तरफ लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस सी डी कितने का भाई, 69,000 का, क्लियर हो गया। बस तो आपका टी सेफ अकाउंट बन जाएगा, क्लियर है इतनी बार, इसको बॉक्स में कंप्लीट कर लेंगे, तो इस तरीके से आप टी सेफ अकाउंट बनाएंगे, ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, आपको कुछ ट्रांजेक्शन दी है उनके हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन है, नारायण स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹78,000 एंड गुड्स 30,000, दूसरी में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹45,000, थर्ड जो आपकी इक्वेशन में लिखा है, सोल्ड 1/3 ऑफ गुड्स एट 20% प्रॉफिट फॉर कैश, आपने गुड्स सोल्ड कराए 20% प्रॉफिट में कैश पर, फोर्थ में कमीशन पेड इन एडवांस 4,000। चलिए देखते हैं कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है, नारायण स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹78,000 एंड गुड्स 30,000, तो देखो कैसे होगा, पहले हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जो फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें हम लिख देंगे स्टार्ट बिजनेस, कैसे स्टार्ट करा, विद कैश, थोड़ा तो कैश लगाया उसने, और गुड्स परचेज किया है, और क्या परचेज किया है भाई, गुड्स, तो ठीक है दोनों ही एसेट है, तो कैश कितने का करा है, 78,000 का, और गुड्स कितने का परचेज करा है, 30,000 का, क्लियर है, ठीक है। अब इन दोनों जो है क्या, कैश भी और गुड्स भी, ये तो क्या है, कैश है, और ये क्या है, गुड्स, और दोनों ही क्या होती हैं, कैपिटल होती है, ये तो पता है ना, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 78 + 30 कितनी हो गई, 1,08,000, क्लियर है, तो 1,08,000 रुपीज की कैपिटल हो गई, और लाइबिलिटी कितनी हो गई, 0, पहली एंट्री क्लियर हो गई। दूसरी एंट्री देखो क्या है बेटा, दूसरी एंट्री में क्या दिया है, दूसरी में क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹45,000, अब की बार गुड्स परचेज कराया कितने का, 45,000 का, कितने का गुड्स परचेज करा है, 45,000 का, तो सेकेंड एंट्री में क्या लगेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है,
अब गुड्स परचेज करा है ना, चाहे क्रेडिट में करा है, तो गुड्स क्या होते हैं? गुड्स तो एसेट है। कितने का करा है? 45,000 का। तो गुड्स के नीचे गुड्स ये क्या है? ये गुड्स है ना, तो गुड्स के नीचे गुड्स, तो 45,000 के तो गुड्स आ गए, और 45,000 की क्या आ गई? लाइबिलिटी आ गई। तो 45,000 की क्या आ गई भाई? लाइबिलिटी आ गई। देखो दोनों अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है अभी, कोई भी चेंज नहीं है, क्लियर है। थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे। थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बोला है? थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन देखो क्या दे रखी है। थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन है बेटा, सोल्ड 1/3 ऑफ गुड्स एट 20% ऑफ प्रॉफिट फॉर कैश। 1/3 गुड्स जो है 20% प्रॉफिट फॉर कैश में सेल करें। थर्ड एंट्री देखेंगे। थर्ड एंट्री में लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितने में बेचे हैं? ठीक है, कितने के गुड्स बेचे हैं? 20% प्रॉफिट में बेचे हैं सोल्ड गुड्स, और 1/3 गुड्स बेचे हैं। तो टोटल हमारे पास पहले गुड्स कितने हैं ये देख लो। तो जो हमारे पास गुड्स हैं वो है बेटा, हमारे पास जो गुड्स हैं वो है, क्वेश्चन में बोला है सोल्ड 1/3 ऑफ गुड्स एट 20% ऑफ प्रॉफिट फॉर कैश। हमारे पास गुड्स हैं 30,000 प्लस 45,000, तो टोटल गुड्स है हमारे पास 30,000 प्लस 45,000। टोटल गुड्स कितने के हो गए हमारे पास? हमारे पास हो गए 75,000 के गुड्स। कितने के हो गए? 75,000 के गुड्स। इसमें से हमने 1/3 गुड्स सेल कर दिए, तो हमने कितने के गुड्स सेल करे? 25,000 रुपए के गुड्स सेल करेंगे। गुड्स कितने के कम होंगे भाई? 25,000 रुपए के हमारे गुड्स कम हो जाएंगे, तो हम माइनस कर देंगे 25,000। पर हमारे को क्वेश्चन बोला है कि जो 25,000 के गुड्स आपने सेल करे है ना, क्या बोला है हमें, जो हमें बोला है क्वेश्चन में बोला है, हमारी एंट्री में हमें क्या बोला है, हमसे पूछा है सोल्ड करे 1/3 ऑफ गुड्स 20% ऑफ प्रॉफिट फॉर कैश, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो मैंने आपको बताया 30,000 के गुड्स और 45,000 टोटल गुड्स हमारे पास कितने हैं, तो जो टोटल हमारे पास गुड्स है उनकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? जो टोटल गुड्स है वो हमारे पास 75,000 के, जिससे हमने 1/3 गुड्स क्या करे, हमने सेल कर दिए, तो यानी हमने 25,000 के गुड्स सेल कर दिए। पर हमें इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 25,000 पे 20% निकालो, तो जब आप 20% निकालोगे तो यानी हमारे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। यानी गुड्स तो हमने बेचे 25,000 के और पैसे हमें मिले कितने? 30,000। तो हम 30,000 यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो हमारे पास 30,000 का कैश आ गया और 25,000 के क्या हो गए? हमारे गुड्स कम हो गए, क्लियर है। तो 25,000 के हमारे गुड्स कम हुए और 30,000 हमारे पास कैश आ गया। तो जो हमें फायदा हुआ यहाँ पे कितने का हुआ? 5,000 का। जो फायदा होता है उसे हम कहाँ जोड़ते हैं? उसे हम कैपिटल में जोड़ते हैं, तो 5,000 हमने कैपिटल में जोड़ दिया। क्लियर हो गई थर्ड इक्वेशन? क्लियर हो गई। अगर थर्ड इक्वेशन क्लियर करने के बाद हम इसमें टोटल देखें तो क्या बनता है? तो टोटल से भी आप देख लेंगे 78,000, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है 30,000, तो 78 और 30 108,000 रुपए, तो ये हो गया आपका कितना हो गया 108,000 रुपए, तो आपके पास ये टोटल आ गया। 75 में से 25 चला गया, तो आपके पास जो गुड्स बचा वो कितने का बचा? वो बचा 50,000 का। उसके अलावा 108,000 में जब आप 5,000 रुपए को जोड़ेंगे तो 113,000 रुपए आपके पास कैपिटल आ गई, और आपके पास जो लाइबिलिटी है वो कितने की है? 45,000 की। तो आपका जो है दोनों साइडें क्या हो रही है? बैलेंस हो रही है। अब हम फोर्थ इक्वेशन करेंगे। फोर्थ इक्वेशन में क्या पूछा है? फोर्थ इक्वेशन देखो बेटा क्या दी है। तो फोर्थ इक्वेशन हमारे को दी है, फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास? फोर्थ इक्वेशन है गिवन, तो फोर्थ इक्वेशन ये देख लेते हैं, कमीशन पेड इन एडवांस 4,000, और हमने 4,000 की क्या करी है? एडवांस में कमीशन भी पे करी है, तो 4,000 की हमारी जो है कमीशन एडवांस में पे हुई है, ठीक है बेटा। तो हम 4,000 रुपीज क्या करेंगे? लिख देंगे यहाँ पे कमीशन, क्या लिखेंगे? कमीशन पे इन एडवांस। हमने एडवांस में क्या करा? कमीशन दे दी, तो 4,000 रुपए तुम्हारा कैश कम हो जाएगा जब हम एडवांस देंगे, और 4,000 रुपए का ही हमारे को क्या है? एडवांस में पे करा है, तो ये हमारे एसेट भी होते हैं, लिख देंगे एडवांस, और 4,000 रुपए यहाँ पे प्लस कर देंगे। याद रखना कमीशन को डेबिट साइड में करते हैं, ऑफिस को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 1,08,000 में से 4,000 जाएंगे, तो 104,000 रुपए ये हो गया आपका, प्लस 50,000 ये हो गया, प्लस 4,000 इधर आ गया,
इस तरफ क्या आ गया 1,13,000 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 45,000 आ गया। अब इसको जोड़ के देखेंगे कि आपकी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड क्या इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका बैलेंस सही है या गलत है। चलिए इसे कर लेते हैं फटाफट से, हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो बैलेंस है किस तरफ का क्या आ रहा है। तो जोड़ते हैं 1,04,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000 क्या आ गया बेटा, इस तरफ इधर आ गया 1,58,000, 1,58,000 रुपीज आ गया। अब हम लाइबिलिटी साइड जोड़ेंगे, लाइबिलिटी साइड क्या है 1,13,000 प्लस 45,000 प्लस 45,000, इस तरफ भी क्या आ गया 1,58,000। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हम चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हमारी एसेट और लाइबिलिटी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर है, समझ आ गए? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंट्स के, इनको कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आप अकाउंट्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कराए गए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब।